भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में पैरावर से दादा रघुवीर वेद पाठी। दादा रघुवीर, दादा राम राम। राम राम दादा। कई दिन में जोग बैठा? यशस्वी भगवान निरोग आयु प्राप्त करे। दादा एक वा वीडियो थी ना अपनी, उसमें योग भ्रष्ट शब्द यूज होया था, उस पर ये कई आदमी तो बताओ था बैठे ही। हाँ, फोन आवे हैं, आदमी मिले भी हैं। योग भ्रष्ट क्यों करो गया? आज दादा पेटा भर दे, दुनिया का पेटा भर दे। योग भ्रष्ट हमने लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंदिया के साथ शब्द यूज करा था। हाँ। वो के यूज करा था पहले तो वो बता दो पंडित जी। योग भ्रष्ट यानी न्यू कहे थे जो उसमें इंद्र के लोक मात इतनी देर खातिर न्यू आया न्यू आया न्यू आया। हाँ। कोई कहता था गंधर पे। हाँ। मगर नहीं नहीं बेरा इनने। हाँ। यो तो योग भ्रष्ट पुरुष है। योग भ्रष्ट पुरुष है। हाँ। आड़े तो बात शुरू हुई थी। हाँ। अच्छा पंडित लक्ष्मी चंद जी आपके देखे उड़े? हाँ खूब देखे देखा खूब। अच्छा खूब। उनकी कविताओं में कोई कमी पावा है? ना नहीं पंदी ना ईब कर दी आगे खराब कर रहे हैं। हाँ चाहे कोई कर रहा हो। हाँ मैं इतनी भी नहीं पा सकती। नहीं पा सकती इतनी भी। अच्छा हाँ, बिना प्रमाणिक कथा नहीं गावे नहीं गा। बिना प्रमाण की कोई नहीं गाई उसने। अटी अस्पटी बात। अच्छा अच्छा बिना प्रमाण की जैसे कह दे भैया पैर के तड़के। हाँ। बड़का ये उसकी नहीं। उसकी नहीं है बिना प्रमाण की। हाँ। आपने तो साक्षात देखा है। खूब सुना भी है। सांग कम से कम 10 देखे। अच्छा हाँ और 5-6 बार। अच्छा गुआंड में भी देखा दादा। कोई सी टेम घड़ी थोड़ी ही याद है कि आप देखते हो और पंडित जी ने कोई खास बात कही हो या फिर आपने उससे? हाँ खूब के था दादा। एक तो ये कही आते हुए ठाकर जब सर पर धरे ये लेकर न ये लकड़ी। हाँ। उनके वो मांगकन उनके ढोलक बजावन वाले। हाँ है। हाँ। और लकड़ियाँ भरोटा बना लिया। कौन सा सांग की बात है? ये लकड़िया रहेगी। लकड़ा रहेगी। हाँ यूं का नहीं जानू ये मेरा गखड़िया। अच्छा अच्छा यो सीन याद है। अच्छा अच्छा फिर एक खड़ का पल्ला निचोड़ता देखा पद्मावत के में। यो सीन क्यों कराया? यो सीन से आके खड़िए में भिजू हेमा मेरी बाग में। अच्छा अच्छा इस रागनी पे। अच्छा अच्छा जो आसमाना था उसका पल्ला। हाँ खड़ तान रखा था ना। हाँ। उसका पल्ला निचोड़े हेमा मेरी बाग में। हाँ। दादा के उसके कद काठी बारे में बता दो। कद काठी उसका सामान्य था। अच्छा लेकिन था तो हड्डा तो ठीक। हाँ। पर लहू का बहुत कम मात्रा में लहू रहे। अच्छा अच्छा यानी 100 में थे 40% इंसान अपना रहे था शरीर में। अच्छा अच्छा चेहरे पर उम्र रौनक है। हाँ अरे हड्ड सूखे पड़े। हाँ, हाँ, नहीं था। अच्छा, क्योंकि वह शराब पी की ना। अच्छा वो योग भ्रष्ट आदमी थे। योग भ्रष्ट का दूसरा भी बता दो। ये एक यो बता दो ना के था यो के कहे यो इसका उत्तर से योग भ्रष्ट का। हाँ के है दादा बताइए वह। प्राप्य पुण्य कीर्तम लोका नु शीतवा शाश्वत समा। हाँ। अच्छा इब नीचे आधा श्लोक बोले आधा ही बोलू। सूची नाम श्रीमताम गेहे। सूची नाम श्रीमताम सूची माने शुद्ध ब्राह्मणों का और श्रीमान जनक का। ये दो गुलाम जन्म होगा उसका। हाँ। सूची नाम श्रीमताम गे है। हाँ। उस घर में योग भ्रष्टो भी जाए थे। अच्छा यो पेज नंबर क्या है दादा? यो देख 41 नंबर तो श्लोक से। हाँ, यो और छठा अध्याय से। एक सेकंड दादा मैं इसमें दिखा दो वीडियो में देख। हाँ। देखिए छठा अध्याय दिख गया। हाँ ये बता दे दादा ये क्या कहना चाहो इस श्लोक में। इस श्लोक में ये बता दिया इन्हें। हाँ। कि भाई ये जो है ना पुण्य लोकों में प्राप्त होकर के जा करके। हाँ। और अपना कुछ भोग करके। हाँ। और फिर उन घरों में जन्म लेते हैं। सूची नाम श्री ना, पलड़ा जन्म की कहानी बताओ ना के हुआ था उसके साथ जब बतवाड़ा हुआ है उन पुण्य कर्मों के बल से पहले ज्यादा पुण्य। हाँ, हाँ। पहले उन पुण्य लोकों में गया। हाँ। वो जो ज्यादा योग कर रखा था पछले जन्म में। हाँ। ताकि एक जन्म में उस समय पछले में पहले पहले इससे पहले में। हाँ। इस करके तो पुण्य लोकों में गया बहुत ज्यादा योग कर दिया। हाँ। और उसका फल नहीं मिल सका पाप धोगे।
तो पुण्य लोग के स्वर्ग आदि नहीं से पुण्य लोग प्रकाश में से उड़े प्रकाश रहता है, खान पीने की कोई चीज नहीं। अच्छा अच्छा, वहां से इतनी तपस्या इतना योग कर दिया, हाँ। उसका फल तो ले नहीं पाया आप बता रहे थे, हाँ। और उस फल प्राप्त करने के लिए दोबारा आना पड़ा, हाँ, हाँ। इसको योग बस, बरसते बस, हाँ। इसी को योग बरसते, हाँ, हाँ। जो कर दसवीं क्लास में, हाँ, बालक पढ़िया, हाँ, खूब पढ़िया, हाँ। आप बताओ थे वहां, हाँ, बात हाँ, ना, हाँ। फिर क्या हुआ उसके साथ, पेपर पेपर नहीं दे पाया किसी कारणवश, किसी कारणवश, हाँ। तो वो जो है ना उसका कोटा भी ले लो, फिर वो किसी के बस थोड़ा है, हाँ, तो टनाटन से, हाँ, तो पच्चा था टनाटन होकर रहा, हाँ, हाँ, जो इस ना इस जन्म में आवश्यकता नहीं थी किसी, ना गुरु की, हाँ, ना कहे का भी साथ की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा अच्छा, अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था उसकी, उसका सूचक से, सूचक से आड़े, पर कोई ना जाने के भी था, यानी दो समन पी, हाँ, और वह भी बुद्धि को नहीं बिगाड़ सकी। अच्छा अच्छा, दारू दो समन हो, पर वह भी बुद्धि को नहीं बिगाड़, वह भी सवार नहीं हो उसकी, इतना बड़ा योग था, इतना बड़ा योग। यो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया हमारा, हाँ, हाँ। दारू वाला भी हल हो गया, हाँ। उस पर क्योंकि उसने क्या क्या आवश्यकता ही नहीं थी, टनाटन था। अच्छा, ये दूसरा प्रभाव उस पर पड़ नहीं सकता। अच्छा दादा, ये महापुरुष ही तो पैदा ना होंगे ना, ये तो बहुत कम, हाँ। आगे तो होने मुश्किल से कल आ गया ना, ये तो सब के धर्म का विरोधी हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं अपनी जाने में सू, और अपनी जाने में तो सू भी नहीं, क्यों बताऊँ कि ये 25 वर्ष तो उरे उरे मेरे मन का ना तो पानी मिलता ना हमें, अच्छा, और ना मेरे मन का उनका उसका वो मिलता हो, बल्कि 20-25 के ना भोजन मिलता, ना सतोगुणी भोजन नहीं रहा, और ना पूजा के योग्य सामग्री चीज रही। उस वक्त में कुएं पर था, उड़े नहाना, उड़े रहना, उड़े सब के में। अच्छा अच्छा, हैं, और फिर माहौल नहीं, ध्यान भटका है, ये जो है ना ठूठिया था पानी से 20 वर्ष हो लिए, हाँ। आप समझे, हाँ। और ना पौन वालियाँ की इतनी कोई चेष्टा, क्या नहाकर पुआ बोर के में, और नहा भी नहीं था वह भी योग्य नहीं। दादा लक्ष्मी का छोरे थे, मिले हो गए तुल्य राम जी, ने तुल्य राम थे तो मैं 20 वर्ष ना 27 वर्ष लगातार मिलते, हाँ, रहे हर साल, हाँ। दादा मैं आपके काम बताऊ, हाँ, हाँ, हाँ। ये विष्णु आवे है, हाँ। पहले तुल्य राम तो 12 वर्ष पास हम लग गए थे, हम मिल लेते भी 12 वर्ष पास। लक्ष्मी चंद की एक बात बता दो जो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ दी सब नहीं, इसकी कविता तो भी हमने नुबेरा लाग जा किसा का, हाँ। उसका सटेज तो न्यारा स्वभाव के था, पौड़ी में लौट जा जब किसा था, बतला करता जब किसा था, और स्टेज पर के था, आदमी के अलग अलग रूप होता था, और तो हर वक्त अपने रूप को बदलता रहे था। अच्छा, हर वक्त, अच्छा अच्छा, तो मन ने देखा कभी तक सेठ बड़ी कर जाता, अच्छा, ताकत पे उड़िए थे, खंडवा भी टांग लिया, हाँ। और चादर भी गिर ली, और कभी अगली चादर ले गए, अच्छा, कादे पे गिर चल गए, अच्छा, मुड्डी था मुड्डी, हाँ, और कभी बैत बात में लेकर कभी बिना बैत, बतलान की सीख थी दादा, बतला उसकी ठीक, मतलब मानस कह मैं बढ़िया करता कि थोड़ा हा गुन्नापन था कि और तो अधिकारी नहीं से तेरे में श्रद्धा दिखे, इसलिए मैं तेरे आगे एक बात बता सकता हूँ, हुई हुई नू की नू वाणी मेरी झूठ भगवान ना बोल, कोई छोरा उसका यो के नाम था बामणि एक कवि बना था छोटा हालेगा मसरू जगन्नाथ 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 का चेला था, वो नू अपने गम ताऊ कहा करता, मेरे छोटे भाई का पड़ोसी था, तो वो ताऊ नू ताऊ नू ताऊ नू, मैं बोला भाई वो तो ईसा सांगी था ईसा ज्ञानी था, बस उसकी के पूछेगा, तो मेरी उसके 1.5 घंटा बात हुई गई, खूब बढ़िया हुई, वही गई तो वो रात ने में लक्ष्मी दी क्या मन उस रात ने उतरेगा देखिए, और दिन के सीन में बतेरे देख रहा था, हाँ। क्योंकि वो जो आदमी टकरा होगा, हाँ। वो आदमी मैंने लक्ष्मी द्वारा बैठा देख रहा था, अच्छा। उर्दू का पढ़ा हुआ था, हाँ। और वो कुछ अड़ास में नहीं था, एक मेरा चाचा था उसी द्वारा पढ़वा करता,
के नाम था ब्रजा। अच्छा ब्रजा द्वारा। हाँ कौन पटवार था वो शास्त्री नाम होता था लक्ष्मी पुस्तक। अच्छा उस ब्रजा द्वारा। हाँ और उस दिन वो आ गया। उस दिन कौन आ गया? और ब्रजा तो 5-7 वर्ष छोटा था, वो मेरे गुरु जी का ताऊ का बेटा। अच्छा वो आ गया। वो आ गया। हाँ। आ गया कोई बात ना। तो वो बैठे मन देखे थे सीन, वो सीन न्यू का अनिवार्य है सपने में। हाँ एकदम तो यो बद्री बैठा है और ये पंडित जी बैठे थे और 10-5 आदमी खड़े भी सर कोई बैठे भी सीन न्यू का न्यू। उन माँ का मन मौका मिल गया अच्छे उसके न्यू खट से ना ये ईश्वर देख। हाँ। तो ईश्वरान हाँ। जो पावन नूड रह गया और ये बैठे और माँ रख लिया मनसा के माँ का मन थोड़ा राह मिल गया। ध्यान रखिए मैं बोला पंडित जी फिर बोल बंद हो गया। मैं बोला पंडित जी फिर बंद हो गया। 5-5 मिनट के बाद फिर बोला बोला हाँ। तो मैंने कहा देख ये भी आ जा रहे कोई बात मुँह मत का दिए थी उसका उत्तर पंडित जी का नहीं हमने दिया। फिर पंडित जी ने तो और दे दिया। बोला क्यों मूर्ख से बात कर रहे तू क्या जाना भाई क्या पूछेगा कुछ ना जानता थे। अच्छा उसने कहा हमारे गांव वाले ने। अच्छा गुरु जी आए ताऊ के छोरे ने। लक्ष्मी ने बोला इस गांव में जो ना जानता था कोई जानता नहीं। अच्छा ये भी तेरी समझ भाई सपने में लक्ष्मी ने ये उत्तर दिया अके इस गांव में जो नहीं जानता ना कोई नहीं जानता। और तक कोई नहीं जानता वो फिर बोल रहा ना ये स्वप्न की बात न्यू क्यों बताऊ। दादा एक मेरी आत्मा की समस्या है और बहुत जन की तो एक लकी थी और अरे खुलन दे वीडियो में कोई दिक्कत नहीं कोई बात क्योंकि आदमी ने खुलापन ज्यादा चाहिए बंधन साफ आदमी ने उठा नहीं। हाँ प्रकृति के घने बंधन हाँ, समाज के बंधन हाँ, कितने के बंधन होता हाँ, हाँ। मैं भी किसी से बात करूँ और वीडियो बढ़ाऊ ना लक्ष्मी की बात ने काफी ने तोड़ मरोड़ दे हैं अपना ज्ञान खो वो लक्ष्मी जानते ही नहीं और मेरी आत्मा पर न्यू बोझ आ जा है हाँ। कदे यो सदा सदी रहोगी यो बोझ मेरे ऊपर भी चढ़ दाओ ना उन पे। अच्छा अच्छा उत्तर भी बता दू मैं हाँ। दृष्टांत देख बता जा हाँ। जो आदमी कटाक्ष करे से वेद पे हाँ। वो तो तोतला हो अगले जन्म तोतला यानी अर्थ बदल के अवहेला वेद की करे से वो वाणी तो साफ नहीं रहेगा तोतला हो जाए अगले। दादा ये कहनी है अपने हिसाब से गलत को नहीं उनने जो सुना वो कह दिया बेचारे वो के करे ना जानते को नहीं जानते को नहीं अपना अर्थ न्यारा लाओ से वो तू ही बिना समझे हाँ। उसके गाय हुए का अपना अर्थ बनाओ सी हाँ। वे बना नहीं सकते हाँ वो बना नहीं सकते और उन्हें बता भी दी बार बार बता गया पर निकी बेरा वेद शास्त्र उपनिषद ऐसी मिलती खबर हमें पढ़े सुन उपनिषद पूछो बिना गुरु के उपनिषद ज्ञान की कोई पहचान नहीं बताओगे तुम्हें गुरु ने उपनिषदों का उपदेश नहीं दिया तीन बार आवृत्ति करवाई थी मेरे तय उपनिषदों की तीन बार ग्यारह के ग्यारह की। अच्छा और पहले पूछ कर आपको उपनिषद ला दू तेरे मन में होते हाँ। तो योग्य जरूर से हाँ। पर तेरे मन में होते लेकिन शर्त है क्या महीने में एक बार लेट हो सकता है दो बार लेट होगा तो मैं नहीं लाऊंगा एक दिन लेट हो सकता है कोई आठ होते दो दिन हो गया ना तो मैं लाऊंगा नहीं गा। अच्छा अच्छा मैं बोला एक दिन भी नहीं होगा हाँ। एक दिन भी नहीं होगा अगला किया थे तीन आवृत्ति करवाए आवृत्ति का मतलब है तीन बार पाठ करे उनका मेरा हाँ। सुनाया दादा तुमने तो बहुत गुणी खूब बात करी हुई है और के थोड़ी और मेरे एक समझ में नहीं आती वो मानस जो 40 साल 42 साल की उम्र में जा भी लिया हाँ। बना भी लिया हाँ। गढ़ भी दिया उसने तो यो योग भ्रष्टा तू समझा नहीं बात। अच्छा अच्छा बोलू ज्ञान पहले का था सीन सा देखा हाँ, हाँ। सच बताऊ हाँ। भविष्य मेरा भी वही जन्म होना योग भ्रष्ट का। अच्छा अच्छा
आप तो पढ़ ले गए, वो तो पढ़ना लेन पाया ना, 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 तो ना ही उड़े सुमे। अच्छा उपनिषद वो पहले जन्म के दिया थे उस वक्त उपनिषद पढ़ाया था कोई। अच्छा वो उनमत कोई सा भी ना था। तो अगला जन्म वो चार थे उसमें, उपनिषद पढ़े हुए चार थे उसमें। और उपनिषद पढ़े उड़का एक पहचान से, ये तो न्यू बिना चलते उड़े गा रखे उड़े भी के गा रखे मैं काट के देखा उदाहरण दे। हाँ एक बार मिनट न बिना लाऊ ना, पहले तो उपनिषदों का बताऊँ क्या आके उपनिषद आरण्य विद्या से। अच्छा अरिष्प मुख्य अधिकार सबसे ज्यादा क्षत्रिय का है उपनिषद पर। हाँ अच्छा क्योंकि ये इनका वो आखिरी स्टेज है ये बाणप्रस्थ, और ब्राह्मण का सचर्मा पर अधिकार है। अच्छा और संन्यास पर भी चला जा। अच्छा अच्छा आप ही भी समझेंगे ना। हाँ अच्छा तो उपनिषद का ये भाव है कि उपनिषद पढ़ा ही नहीं अगर जब विराट पुरुष नहीं हुए आते फिर पढ़ा को। अच्छा उपनिषद पढ़े नहीं रहा जो। अच्छा, अच्छा। उपनिषद का फल ही विराट पुरुष बन जाना। अच्छा 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 नहीं तो वो उपनिषद नहीं। विराट पुरुष। हाँ विराट पुरुष किसने कहा? ये हमने गारा के थर का नाम सच्चे वाली तुमने की विरा की से। हाँ सच्चे वाली। हाँ ये बुढ़े आ गया फिर ना, पहले एक दृष्टा तोड़ लाऊंगा। अच्छा अच्छा मार गुरु जी दारे भाद्रगढ़ और उड़े एक रांड वीर पानी ने अच्छा सत्र बना रखा यज्ञ है, और उड़े कृपात्री आया करते, और एक दिल्ली में जो छटोर था ना वो पंडित आया करता, नाम इम भूल गया पास ही है तो वो अर्थ करता अटक जाता कदे कदा बोले अर्थ आप कृपात्री ना, तो उसके बोलने की आवश्यकता वो छोड़ नहीं था, वो भी विद्वान था है उपदेश देता। तो कृपात्री का नाम छोड़ के गुरु जी ने बोले भाई एक दिन वो क्या से छः दिन रह रहे छः दिन चल रहे महाराजा। तो हम कहे पहले दिन जब हम गए जब हम कुछ लेट पहुँचे अरुण जब बोलती पाठ की अरे फिर दो घंटे के बाद फिर बैठे पंडित वो पाठ तो हो लिया दो घंटे के बाद उसका अर्थ बताऊं। उस दो घंटे में गुरु जी बोले भाई कोई टूल हमने हंसते फिरते फिरते फिर एक कोई उजड़ सा घर साई शादी के जो जिसको के कहा वो कुछ कह नहीं सकते न्यार सा जाम रहा और रूख एक दो और जाले नुचाई लूट जाए। उस शाम गुरु जी बोले भाई आला बन गया गाँव छा भी से और बैठने भी जा शुद्ध धूप के ऊपर बैठे आसन का आसन और आला बैठ गए। हम बैठ गए बैठ लिए ना जब मारे तो पाँच छः मिनट पाँच एक सन्यासी आ गया उषा माँ थे सत्रह माँ थे आ गया थे वो भी उड़े बैठ गया दूसरे रूख तले। गुरु जी बोले बोला संन्यास पूर्ण रूप से दिख रहा है इसमें सारे चीज संन्यास की ले रहा से और नू का नू प्रतीत हो से इस तरह हो कायक में कुछ दो चार बात देखा सो आ जाते फिर हम कुछ पूछाएंगे ठीक ढंग तक मगा। हाँ गुरु जी हम विश्वास था ठीक ढंग से बोल लेगा मजा आ गया बैठ गया आदेश करे नमस्कार करे और मैं बैठ गया। उसे कहीं जब बैठे मैं बैठ जाओ बैठ गया कहाँ रहो मगर वो तक के पास गांव से पैरा वो था दूर का। अच्छा और कैसे है मगर वो जय बोली कि मामा आज कल ना हो कौन बन है मका ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण मका बहुत अच्छा एक दो बात पूछ के वो बोल पल्ला रह गया। मैं बोला उन्हें कही थी कि भाई ने चेक कर कर अपना भी नू दे चाह दे कि भाई हम भी कुछ पूछना चाह अधिकारी है। मैं बोला मका कुछ ऐसी बात कही अब कल नाम आ जा बार बार क्या
अकेनु कैसी हो भारती सा के हो गया आड़े तो गंगा आड़े अवतार आड़े गऊ आड़े धर्म आड़े प्रश्न तो टेढ़ा है तो वो तो उसके लायक था वे उसने ऐसी था पढ़ा लिखा खूब यूं कैसे यो एक हूँ और देश क्यों ना और कहीं भी ऐसी चीज नहीं सुनने मानती आड़े ही से क्यों आऊं सब चीज नदी तो और कितने भी होंगी होंगी पर गंगा जैसे गंगा नहीं है आप समझे ना भारत में रह ले हो इतनी पवित्र नहीं है या प्रसिद्ध से सारिया में तो भाई बता रहे उन्हें वो बोले भाई मैं तो बता दू पर तेरी समझ बताना मैं क्यों बोलूँ था और तेरी समझ में आंता दिखे तो मैंने उत्तर दे दे फिर मैं बता दूंगा पहले परीक्षा बाद में बात मैं बोला बोला बोले अगर जो तू विराट पुरुष ने जानता है ना फिर मैं तेरे को बता दूंगा और तू समझ जाएगा और नहीं तो मैं कति नहीं बताऊंगा और ना तू समझे व्यर्थ नहीं बगा करते विद्या ने हैं धरती में पड़े की फायदे अगर जब विराट पुरुष मेरे को बता दे और तो फिर मैं तेरे को अगला इसका उत्तर दे दूंगा मैं बोले मैं जानता हूँ हैं मैं अब बोलो मुका तीर कमान ही यज्ञ पवित जिसका पर्वत ही हड्डी है जिसकी और वृक्ष रोम है जिसके सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके और कान दिशाएं हैं जिसके और यानी तालु पृथ्वी है जिसकी और उदर समुद्र है जिसका जल मैंने उसके काफी अंग बताए विराट पुरुष के बोले भी और कोई आवश्यकता नहीं ये मैं तेरा के बता दूंगा और तेरी समझ में आ जाएगा मैं हवा ही प्राण है जिसका या हवा चलना या विराट पुरुष की प्राण प्रकृति उसके अंदर समाई हुई है इंसान के अंदर पूरी प्रकृति वो इंसान नहीं है वो ईश्वर से विराट पुरुष अच्छा ईश्वर के शरीर से यू अच्छा उपनिषद पढ़ के ईश्वर ना बने तो फिर की फर्क लगे अच्छा और संन्यास में नारायण बनता है और विराट संन्यास में नारायण दोनों वो ब्राह्मण का संन्यास और यो क्षत्रिय का विराट बनना ये तेरी समझ में आगे है आगे बता दी ना परसेंटेज तो ये वो बोला ले भाई सुन मका वो बोला ये जो विराट पुरुष आपने बताया उस विराट पुरुष का देखिए ध्यान रखिए हृदय ही भारत से हृदय ही भारत है भारत है अंतःकरण हृदय भारत है उस विराट पुरुष का देखिए सुनिए जाओगे समस्या हल करके और हृदय में ही सब कुछ उत्पन्न होता है और कहीं नहीं होता अच्छा उत्पत्ति हृदय में से तो आड़े आएंगे और किस जाएंगे वह महान चीज है उत्पन्न आड़ भारत भारत विराट पुरुष का हृदय से आप ये समझिए है तो इतनी गंभीर बात है कसूती बात है दादा दादा एक आप बताना चाहो थे एक फिर आपने को दे यो बताकर फिर बताऊंगा लक्ष्मी के बारे में वो प्रश्न भूल गया मैं लक्ष्मी के बारे में था प्रश्न कि उसने के बताया है उस उदाहरण देगा आप करने वाले बाद में बताऊंगा इब्बे की बात है एक मिनट पहले अच्छा बंद करके फिर चला लेगा अगली